गुड आफ्टरनून. शाम का शाम होने वाली है, 4:15 हो रहे हैं. जब तक मैं मेरे व्लॉग में टाइम ना बताऊं तो मुझे मेरे व्लॉग को स्टार्ट करने में बिल्कुल मजा नहीं आता. आज लगाया है व्हाइट कलर का नेल पेंट क्योंकि मैंने व्हाइट टॉप पहना है. मजाक कर रहे हो, ऐसे ही चेंज करने का मन कर रहा था इसलिए मैंने चेंज कर लिया. और मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा पोछा सूख जाए क्योंकि हॉस्टल पर ने जस्ट अभी पोछा लगाया है, सो दैट कि उसके बाद में हाँ गिरा हुआ है. फिर ना ये मिलती नहीं है क्लिप, ऐसे वाला जो क्लिप होता है ना, छोटी छोटी चीजें ना, फिर बाद में लगा देती हूँ. रजाई रखी है बाहर, टावल रखा है सूखने के लिए. आज बहुत अच्छी मस्त वाली धूप है. ये जो है ना हमारा मतलब रजाई ओढ़ने वाली, बहुत मस्त इसको धूप लगी है. पता नहीं यार पत्ते पीले पीले क्यों हो गए यार, क्यों. मैंने माली भैया को परसों बुलाया, अगर आ रहा हूँ आए नहीं, कल बुलाया नहीं है, आज बुलाया नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा. कौन कौन ऐसे धूप फेंकता है मेरे को बताना. और ये जो टॉप वाला बटरफ्लाई वाला, मुझे बचपन में बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट वाइट कलर मुझे ना मतलब बटरफ्लाई हो गया या फिर वाइट कलर हो गया, न्यूड शेड्स हो गए, पहले उतने नहीं अच्छे लगते थे. बटरफ्लाई लगती थी अच्छी बचपन में, सबको बटरफ्लाई अच्छी लगती है, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. बचपन में मुझे मेरे कलर्स, बचपन में मुझे कपड़ा ही नहीं जुड़ता था पहनने के लिए, तो जो भी आ जाता था शायद वो अच्छा ही लगता था. आई थिंक हाँ ज़्यादा चमकीली चीज़ें, जैसे कोई दुल्हन है या कोई न्यूली मैरिड है उसने कुछ चमक वाला कुछ पहना है, सिप्पी सितारे, ये मुझे पसंद होते थे. जैसे मेरी दिल्ली वाली भाभी है ना, वो अपने से कपड़े वपड़े होते थे हमको भेज देते थे गांव में, तो हम लोग बहुत पहनते थे. अगर उनका सूट कभी पूरा नहीं आया ना तो दुपट्टा उनका हम ओढ़ ओढ़ के साड़ी लगाते थे, घूमते थे उसके साथ, है ना, मतलब उसको ले लेके घूमना, घर घर खेलना, ऐसे आंगन से बाहर लेके आ जाना, सीधे दुपट्टे वगैरह सब इकट्ठे करके 8-9, और मेरी कजन सिस्टर ताए चिप करके लड़कियाँ, उन सब बस ना खेलते होते थे छोटे होते. और मम्मी की साड़ी निकाल लेना, मम्मी का मेकअप का सामान निकाल लेना, पेटी खोल लेनी, मम्मी ऑफिस चले जाते थे ना, तो बड़ी ऐसी चीज़ें करते थे. फिर यहाँ 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 ऐसे टुक 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 करके लगाते होते थे. एक टाइम होता है ना, हर टाइम हर एज हर मौसम हर जगह के हिसाब से ना आपका पहनावा आपकी चॉइस थोड़ी थोड़ी चेंज होना मेरे ख्याल से शुरू हो जाती है. हर जगह ना पोछा लगा हुआ है. अभी मौसम अच्छा है तो सूख जाता है अच्छे से पोछा. आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ना जैसे रील्स डालती हूँ जी रॉयल की, आपको पता होगा जब से मैंने वेट लॉस, जब मैं IIT कानपुर में थे, हम लोग दूसरी बार आए थे प्रेगनेंसी के बाद, मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया 2020 में, ठीक है. तो अभी 3.5 साल 4.5 साल आप लगा लो मेरी जो जर्नी है उसको हो चुका है. तो जब ना मैं मतलब शेयर करती हूँ कुछ भी तो लोग बोलते तुम डाइटिंग पे हो, और जब ना मतलब मैं उनको देखती हूँ, मैं वैसे पर्सनली किसी को कमेंट नहीं करती, मैं उनको देखती हूँ वो लोग से जंक खा रहे हैं कुछ खा रहे हैं ना, तो मैं ये पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ वो सब ओके है. लेकिन अगर मैं फल खा रही हूँ या जूस पी रही हूँ कुछ, बिकॉज वो तो नेचुरल है ना, वो हेल्दी भी है नेचुरल भी है, और वो मतलब कब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है. ये जंक तो अभी आया है ना, जैसे कुछ भी हो गया, कुरकुरे हो गया या पिज्ज़ा हो गया, कुछ भी हो गया, कभी कभार इट्स ओके. मैं अगर रोज़ खाना है किसी को तो खाए, मैं उनको नहीं बोलती, बट समटाइम जानबूझ के मेरे को कमेंट करेंगे, लिखेंगे कि तुम तो डाइटिंग पे हो ऐसा वैसा, मतलब दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल यार. और जब मैं कभी कभी कहीं जाती हूँ तो कभी खा भी लेती हूँ, तो लोग बोलते हैं देखो यहाँ पे कैसे ठूस ठूस के खा रही है अपने घर पे, ऐसे करती वैसे करती. तो मैं ना ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब लाइफ का और अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखो. आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं मेरे को बताना कमेंट करके. कि बाथरूम में रखते हैं टॉवल जो कि सूख गए हैं. पहले मैं ना रोज शावर लेके रोज अपना टॉवल वॉश कर देती हूँ, अभी मैं 2-3 दिन के बाद करती हूँ कि मतलब मेरा ही तो टॉवल है. लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा टॉवल अगर मेरी कोई भी चीज़ होगी, ये इनको पता नहीं चलता कि इनका कौन सा मेरा कौन सा, तो ये यूज़ कर लेते. मुझे बहुत चेयर मस्ती कि अपना टॉवल यूज़ करो, अपनी चीज़ यूज़ करो. शुरू शुरू में अलग चीज़ थी कि एक ही ब्रश भी यूज़ कर लेते थे, बट राइट ना मुझे, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि अपना टॉवल यूज़ करो, अपनी चीज़ यूज़ करो, बिकॉज मेरे लिए वो ठीक है, इनके लिए वो ठीक है. ऐसा होता है ना यार, शुरू शुरू में एक टाइम था हम दोनों एक ही ब्रश यूज़ कर लेते, टॉवल भी एक ही. रात का 9:45 हो रहा है. मैं अंदर कपड़े रखने जा रही हूँ क्योंकि बाहर हवा चली हुई, कहीं बारिश तो नहीं आएगी वैसे. फिर भी मैं इनका अंदर पूरा स्टैंड रख लेती हूँ उठा के. मोटा वाला पिंपल हो गया मेरे को, देखो कितना मोटा लग रहा है यार.
लग रही है ना, हो भी गया है, ये पेन कर रहा है, ये पेन कर रहा है, शायद पाइन एप्पल ज्यादा पी लिया है, क्या हो गया पता नहीं मुझे। मुझे अभी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आधा घंटा। एक तो दो शर्ट्स हैं इनकी, वो प्रेस करनी है, दूसरा कल क्या बनाना है वो मैंने डिसाइड करना है किचन में जाके। दो तीन बर्तन है जो कि धोने हैं, और मैंने सोचा था मुझे दही जमा कर रखना है, वो भी कर ही देती हूँ। और कल सुबह अराउंड 9:30-10 हम लोग जाएंगे पटना सिटी सेंटर मॉल, मैं और मेरी फ्रेंड। मुझे क्या लेना है उसकी मुझे थोड़ी थोड़ी लिस्ट बनानी है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मतलब घूमने जाऊँ। और बताए आज ना मैं ऊपर गई तो प्रीति की एक दो चीज़ें थी वो ऊपर, मतलब ऐसे खेलती थी ऊपर खेलते थे तो वो मिली, बड़ी इमोशनल हो गई उसको देख के। पता है जब घर वाले आपके आते हैं बहुत अच्छा लगता है, लड़ाई लड़ते भी हैं हम बहुत दोनों, मैं और प्रीति, बहुत लड़ाई। तो यार दो बर्तन है घर पर, हस्बैंड वाइफ है, माँ माँ बेटी है या बहन, कोई भी लड़ाई तो हो जाती है ना, मतलब हम दोनों बहस बहस ही कर लेते हैं, घर पे भी करते हैं, लेकिन जब हम दूर चले जाते हैं तो हमको रियलाइज होता है। तो आज मेरे को बड़ा ही इमोशनल जैसे हो गई, तो वैसे मैं आई थी तब भी इमोशनल हुई थी, पर मैंने व्लॉग में वो चीज़ शेयर नहीं करी क्योंकि फिर लोग बोलते हैं तो रोती रहती है। तो मैं आई, मेरे को, मैं जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे को इतना रोना है, मेरा मन करता मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं, लेकिन फिर मैंने मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। एनीवेज कल जाना है, तो वैसे मेरे को ऐसे मन करता कि मुझे कुछ लेना था नहीं, क्यों जाना है, मुझे चले जाती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा फील होता है और थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाती है। ऐसे सारा दिन मैं घर पे होती हूँ तो फिर शाम को वॉक के लिए निकलती हूँ, बट मुझे सिटी में जाना और मॉल में जाना काफ़ी अच्छा लगता है। और शायद हम तरियारा में विजिट करेंगे जो साड़ी का स्टोर है, मे बी, इसलिए मैं आज अभी जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ, इसलिए पीछे वाले कपड़े भी मैंने उठा के रख दिए कि वापस आएँगे तो शाम में, सुबह जाऊंगी तो फिर शाम हो जाएगी वापस आते आते। आप पता क्या हुआ, ये ना ग्रे कलर की इनकी शर्ट थी, आपने मे भी देखी होगी जब मैं लाई थी इनके लिए, है ना, तो मैंने इस पर ना दाग लग गया था येलो कलर का, तो मैंने इसको आला में डाल दिया, रिनाला में, तो इसको पूरा, ये पट्टियाँ इसकी ग्रे थी, पूरी ग्रे कलर की शर्ट थी, तो ये पूरी देखो लेमन से कलर की हो गई। बड़ा दुख हुआ गया, मैंने ऐसे क्यों किया, आगे से यार ध्यान रखना अगर आप लेके आते हो, इतनी महंगी शर्ट है, इतनी आपको बता नहीं सकती, अभी मुझे लगता है 2 या 3 बार इन्होंने पहनी है, ये तो पूरा निकल गया देखो फिर। और इसका ना सब लोग लिंक मांग रहे थे, मैं लिंक कहाँ से दूँ इसका, क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन लिया है, H&M नहीं ऑनलाइन लिया, हाँ H&M पे, अगर अपन बस लिंक नहीं है अभी यार, क्या ऑफलाइन लिया है मेरे को याद नहीं, आई थिंक ऑनलाइन, ऑफलाइन याद नहीं आ रहा, आई थिंक ऑफलाइन ऑनलाइन लिया है, क्या होगा यार, कई बार ना दिमाग आपको ऐसा लगता है आपको याद ही नहीं आता कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। आप लोग ना फर वाली, इसको क्या बोलेंगे, फर वाली, और इतनी अफोर्डेबल है, और इससे महंगी महंगी भी मैंने बहुत सारी ली, जितनी मैंने ये पहनी पूरी सर्दियाँ उतना मैंने कुछ नहीं पहना। अगर आप नॉर्मल कॉटन का कपड़ा पहना है, कहीं बाहर जाना है, फटाफट इसको पहन लो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इस टाइम पे अगर आप मॉल में जाते हो दिसंबर एंड में, जनवरी में, फरवरी में, तो आपको जो सर्दियों का स्टफ़ होता है ना, काफ़ी सारे डिस्काउंट पर मिल जाता है। अभी अगर आप शॉपिंग करते हो तो नेक्स्ट ईयर जब सर्दी आएंगी तो आपको वो आप पहन सकते हो, है ना। हाँ न्यू नहीं होगा, बट क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब जैसे कुछ अभी न्यू ट्रेंड में स्वेटर्स आते हैं ना, वो आप तुरंत बाय करते हो फिर पहनते हो, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। मेरे को एक अगर डिस्काउंट में कुछ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के ले लो, अगर 1000 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, लेकिन अगर मुझे सूट करती है या मुझे, मेरे को लगता है मेरे को इसकी ज़रूरत है, मैं तभी लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करती कि नहीं डिस्काउंट पर मुझे लेना है। और कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ बहुत महंगी होती है, मुझे अच्छी लगती है तो वो फिर मैं ले भी लेती हूँ, तो मेरा ये ज़िंदगी जीने का फंडा है। ये हम भर के रखेंगे सुबह चाय बनाने के लिए, और ये मैंने बनाया था तो इतनी सब्जी बची है, इसको मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि फिर निकालूंगी फिर सुबह गर्म करना पड़ेगा, इससे अच्छा इसी में रहने दो, इसको सुबह हम इसको गर्म कर लेंगे। और आजकल मौसम चेंज हो गया है तो ना मैं क्या जाली वाला खोल लेती हूँ कि बंद से कहीं सब्जी वब्जी खराब ना हो। मेरा चॉपर मुझे सुबह चाहिए, और ये इसका है तो इसको
इसके अंदर रखूंगी और मैं तुरंत साथ के साथ ओवन जब यूज करती हूँ ना रोटी वगैरह गर्म करने, तो मैं साथ के साथ ना क्लीन कर देती हूँ उसको, बिना हल्की हल्की बार स्मेल आती है थोड़ी देर के लिए, इसको खोल देती हूँ और मैं दिन में एक बार इसको ना विनेगर या फिर नींबू डाल के भी क्लीन कर देती हूँ हल्का सा, साथ के साथ कर दो सही रहता है, बाद में बहुत इकट्ठा हो जाता है, थोड़ी देर खुला रहने देती हूँ ताकि हवा थोड़ी वो हो जाए। टाइम हो गया 10:05। चलो जी अभी मैं सोती हूँ। ओ यार कपड़े तो एक रह गए ब्रश करने से। ये ना पिंपल अब पता कब ठीक होगा, जब इसकी जो पस है वो निकलेगी। पहले मुझे बहुत ऐसे मोटे मोटे पिंपल होते थे, अब भी कम हो गए। आपने देखा होगा जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी शुरू शुरू में, तब तो बहुत ज़्यादा होते थे, अभी बीच में कम हो गए शायद। नहीं यार मैंने जूस पीना शुरू किया शाम को तब हो रहा है क्या, और अब ठीक है यार। थोड़ा सा हम अपने चेहरे पे सोते टाइम ही लगा देते हैं। कल क्या पहनना है जाने के लिए समझ नहीं आ रहा, और जीन्स तो मैं नहीं पहनना चाहती यार, पंखा कितना गंदा लग रहा है देखो, इसको देखे कितनी उलझन हो रही है ना। बस कल का दिन छोड़ के परसों को ना इसको साफ करवाना है, देखो तुसे आप, या तो मैं ऊपर चढ़ जाऊँ और ऐसे पिल्लो कवर पुराना लेके ना उससे क्लीन करूँ यार, इसको मुझे बड़ी गंदा लग रहा है। मुझे पहनना है ये वाला ट्राउज़र अपना, और ये वाला अपना इनर, और ये वाली जैकेट, दैट्स इट। क्योंकि कभी मॉल में जाते हो गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, अभी ऐसे ही रहेगा। अरे जैकेट यार धोनी थी आज मेरे को यार, बड़ी काम की जैकेट है यार, इस शीन से मैंने आपके लास्ट व्लॉग में बताया था, और इसका फिटिंग बहुत बहुत अच्छा था। तो अभी इतने सारे कपड़े थे पहले यार शीन के, मैंने किसी न किसी को दे दिया, बड़ा मिस करती है, काश वो रखे होते। फिर भी ना कुछ एक चीज़ें रखी हुई हैं तो बड़ी अच्छी लगती है फिटिंग, मेरे को इतनी प्यारी आई है। पहनते हैं ना मतलब, तो आपको पता चला होगा मैंने पटियाला में पहनी थी, और एक दिन पहले पहनी थी पटियाला में पहनी थी, बहुत सारे लोग इसका लिंक मांग रहे थे, तो मैं लिंक तो अब आपको कहाँ से दूँ है ना, ऐसी जैसी कहाँ से और मिलेगी। Anyways, good night. यार एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी कि नहीं करी, जो कि मैंने अभी करी। एक्चुअली फ़ोन चला रही थी होम सेंटर पे, मैं दो तीन चीज़ें देख रही थी, तो मेरे को ना मतलब बात याद आई कि मैंने दो तीन दिन से अचार खाना शुरू कर, उसकी वजह से तो नहीं ये वाला पिंपल हो रहा है मे बी, क्योंकि अचार बहुत टेस्टी है, ऐसा लगता है उसमें बहुत खट्टा है, और मुझे खट्टी चीज़ें खाने का बहुत दिल कर रहा है, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, अमरूद, लस्सी, ऐसे खट्टी खट्टी चीज़ें, ठंडा पानी पीने का बहुत दिल करता है, ऐसा लगता है बॉडी में बहुत हीट है, सो मुझे उसको मतलब लाइक ठंडा ठंडा चीज़ें खानी है, शायद अचार की वजह से इतना मोटा पिंपल हो गया। गुड मॉर्निंग, सबसे पहले चाय रखी, दाल रखी, पानी में नाचनी मतलब जो रागी का आटा उसको मैं थोड़ा सा बना के रख रही हूँ, और जैसे मैं उठी उसके 10-15 मिनट के बाद मेरे हाउस हेल्पर भी आ गए, भिगो के रखा था तो उसको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बज के 10 मिनट होने वाले हैं, हम लोग मतलब 9 बजे तक मैं फटाफट से काम ख़त्म करूँगी, फिर रेडी होके 10 बजे निकल जाएंगे। तो कड़क धूप निकली है और हमारे बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हैं, तो मैंने वो नहीं धोने, कल धोऊंगी, अभी तो बेचार हूँ ना, फिर वापस आके पीछे से फिर कई बार उड़ जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने बोला कि कल धोऊंगी। अभी होगी नहा के रेडी, बट ये जो पिंपल आप देख रहे हो ना, ये पेन कर रहा है, ये पेन कर रहा है, और ये पेन कर रहा है अचार की वजह से, ऐसा लग रहा है ना ये जो पिम्पल हुआ है ना देखो, ऐसे मुझे पता क्या लग रहा है, अचार खाने से। हाँ क्योंकि मैं पहले इतना अचार नहीं खाती हूँ, और खाती हूँ तो घर का खाती हूँ, और तो मैंने कुछ नया खाया नहीं, जूस तो मैं पहले भी पीती हूँ, बट देखो है ना लग रहा है ना, क्योंकि अचार ही खा रहे हैं। हाँ नहीं हो गया, बढ़ दे है ना,
एक तो देखिए यहाँ पड़ी है, अपने लिए कि यहाँ निकल रहा है पर ले इसको बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा पेन कर रहा है, थोड़ी सी दर्द हो रही है थोड़ी थोड़ी। मैंने आटा गूंद लिया था तो हाउस हेल्पर ने बना दी रोटी, चार रोटी, और दोबारा से मैंने इनको बोला एक बार चाय बना दो फिर हम निकल जाएंगे। और झाड़ू और पोछा इन्होंने लगा दिया, सिर्फ दो रूम में लगा, एक यहाँ पे और एक ये वाले कॉरिडोर में और एक हमारे रूम में, बाकी कहीं भी झाड़ू पोछा। अमेजोन का पार्सल है, इसमें ना बल्ब है 50 वाट की, 5 तो मैंने कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया वो आए नहीं, मैं इतने दिन से उसको मालिका को भी बुला रही हूँ, गार्डनर बोलने लगी थी तो वो भी नहीं आया यार, मैं रोज कॉल करती हूँ। सोचा मैं मतलब शूज पहन लूँ, फिर मैंने ये क्रॉक्स पहन लिया। मेरा ये वाला हेयर स्टाइल मतलब बहुत अच्छा लगता है और मुझे सुइयां नहीं मिली, और आज मुझे स्पेशली विटामिन ई क्रीम लेके आनी है फेस पे लगाने वाली, और बॉडी शॉप में 50% डिस्काउंट चल रहा है तो मुझे वहाँ पे जाना है, और मुझे एक आईब्रो पेंसिल लेनी है। चाय रुको, चाय रुको, इतनी सेवा आज क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाएगी। इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। आपने नहीं ली? आपने है? सुनो भैया नहीं पियेंगे, आप पी लो। नहीं नहीं आप ये एक कप और चाय है तो ये आप पी लो ना, ठाके इसको वहीं पे रखो। ये जूता पहनने का मैंने सोचा था, फिर मैंने ये चीज यहाँ से उठाई ना, इसको तुरंत वहीं पे रख दो तो आपके घर में कभी भी खलारा नहीं पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है ये। हाथ धो लो। मैंने ना इंस्टाग्राम पे पूछा था कि रील में क्या खास है आप देखना चाहके, तो यार इसकी एक साथ की शराब नहीं मिल रही, इसकी नहीं मिल रही, तो मेरे को व्हाइट पहनना था, मेरे को बड़ा मन हो रहा था ना कि व्हाइट कलर का कुछ पहनूं, और मेरे को इसको डिस्कार्ड करने का मन नहीं कर रहा कि मुझे व्हाइट कलर अच्छा लगता है, मतलब लाइट लाइट जो शेड्स होते हैं ऐसे, तो ये भी कलर की जुराब अच्छे होते हैं और व्हाइट मुझे अच्छा बढ़िया लगता है पहनने के लिए, गंदा भी जल्दी से हो जाता है, तो मुझे इसको फेंकना नहीं था, मैंने इसको ना ऐसे करके बना लिया, और अब मैं इसको आज पहन के चली, कल ही तो पहनी है कल शाम को, तो फिर अभी पहन लूंगी फिर आके वापस कर आके चेंज कर दूँ। मैं देखूंगी अगर मुझे ऐसी वाली जुराबे मिली तो मैं फिर ये वाली लेके आऊंगी कि ये बढ़िया रहती है घर पे। मुझे सॉक्स पहनना भी काफी अच्छा लगता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। एनीवेज हम पीते हैं चाय। लिस्ट में विटामिन ई क्रीम लेनी है और होम सेंटर में जाऊंगी मैं, होम सेंटर से मुझे मेरे ओवन का ऊपर रखने के लिए कवर चाहिए, तो कवर अगर मुझे नहीं मिला तो जो रनर नहीं होता टेबल वाला उसको मैं कवर बना लूंगी, मुझे शेड इसमें चाहिए जैसे मेरी दीवार का कलर है ना वैसा वाला, और मुझे H&M जाना है और मुझे बस घूमना है, फेस वॉश वगैरह अगर डिस्काउंट लगा हो तो मैं ले लूँगी अभी, क्योंकि मेरे पास है तो है बट डिस्काउंट में मिलेगा तो फिर क्या मतलब, सही है ना। ये इनका खाना मैंने बना के रख दिया और सामने शेल्फ पे रख दिया, ये चाय का पैन मैंने धो के रख दिया, अगर पीछे से चाय पीने, वैसे इतना वो मुझे बोलते नहीं है करने को कभी, मैं एक्स्ट्रा ही करके जाती हूँ जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, शादी के बाद का हमेशा से मेरा यही रूटीन है। टेस्टी है। और ये प्लेट और ही कटोरी और प्लेट मतलब यहाँ पे रख दी मैंने, वॉश करके रात को रख दी थी, तो गर्म पानी दे दो देन हम निकल जाएंगे, 5 मिनट के बाद टैक्सी आ जाएगी। शूज ही पहन रही हूँ ना, बड़ा मतलब प्लाजो बड़ा वो है, क्या कहते हैं, इतना लंबा नहीं है तो उसके साथ बड़ा ऐसे अड्डियाँ नंगी नंगी सी लग रही है, शूज के साथ थोड़ा कम्फर्टेबल लगेगा। साफ कर दो उसको। जब मुझे कलर से इतना प्यार था, मेरे पास मेरे पास ना अटैची भी इसी कलर का था, ये भी शूज भी बहुत सारे। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं बाल्टी बाहर रखनी है बोचे वाली, तो मेरे पास हर कुछ ना सेम यही कलर का था, तो अब मुझे ये कलर नहीं अच्छा लगता। मैं बोल रही थी बाल्टी बाहर रखो पोचे वाली, अभी ठीक लग रहा है थोड़ा, पता नहीं क्या तिरकुट क्या होता है। मैं ना लिफ्ट से नीचे आ रही हूँ, मुझे 10 मिनट लग गए आने के लिए, इनके साथ आ रही है, मुझे ना 1 घंटे से बोले 1 किलो तिलकुट ले आओ, 1 किलो तिलकुट। तिलकुट क्या होता है? वो खाने वाला तिल का चीज होता है संक्रांति में जो ये खाया जाता है ना, इतना बड़ा बड़ा नहीं वो गचक। हाँ हाँ मूंगफली वाली। हाँ भाभी नहीं तिल वाली। हाँ तो वो कहाँ से मिलेगी? अब तो मौसम इतना चेंज हो गया, मुझे तब तक मिलेगा कहाँ पे? सगरो मिला है बाजार में। इतनी दूर से बोल रही है, मुझे पैसे दे दो खुद ले लेती हूँ, पकड़ो कल लेके आना है क्या वो, ठीक है एक बार मुझे ठीक है लेके। इतना प्यारा सुंदर सूट है सोच का, मुझे तो ना वो सूट बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला ले सकते हैं, बट यार अभी सर्दियां जा रही हैं तो फिर फायदा क्या लेने का, बट कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है।
क्या प्राइस रहेगा इस सूट का? 40 साइजेस क्या है? साइज स्मॉल है। ऑल्टरेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ये वाला दिस वन का ना मैंने सामान बाद में लेना है क्योंकि उन्होंने मुझे एक लोशन लगा के दिखाया, अच्छा लगा, बाद में इसलिए लेना कि मैं बाहर उठा के वहाँ कहाँ घूमूंगी, तो फिर मैं डिस्काउंट में चीज़ें हैं तो मैं अंत में लूँगी। पहले हम चलते हैं H&M, देन होम सेंटर, देन बॉडी शॉप, देन डिकैथलन, देन जूस पियेंगे, फिर घर के चले जाएंगे। क्योंकि दुनिया भर के कपड़े लेने के बाद पहनना तो मैंने पजामा ही होता है, और ये वाला ना प्रीति अपना इधर ही छोड़ गई है घर पे, इसका बटन एक खुल गया है। सो ये सेम लास्ट टाइम जब आए थे ना प्रीति के साथ उसने लिया। ब्यूटीफुल ड्रेस बट इसके शोल्डर ही नहीं है। करने के बाद हमने खाया आफरा में बहुत ही डिलीशियस सा खाना, दाल चावल लस्सी। के बाद हम लोग बोरिंग रोड में चले गए बीकानेर, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मीठा खाया, एक पेस्ट्री और गोलगप्पे, तो चार मिठाइयाँ ट्राई की। कुल मिला के 6-7 दिन में जो वर्कआउट किया वह सब एक ही दिन में ख़त्म हो गया, और फटाफट से हम लोग आ गए घर। गाड़ी में मैं सो गई 20-25 मिनट। जो हमने लंच किया वो थोड़ा बच गया था इसलिए मैं इसको ले आई घर पे। पूरे 6:45 पहुंची हूँ मैं। इधर से भी देख सकते हैं मान, मैंने यहाँ पे रख दिया आपको, मुझे फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेती हूँ। स्टार्ट है, ये एक कुशन कवर, ये कलर मुझे काफ़ी पसंद है, ये वाला भी और ये वाला भी, और इन पे मैंने लेना नहीं था बट इन पे ऑफर लगा होता है इसलिए भी मैंने ये ले लिया। और ये है होम स्टॉप का, तो ये मैंने लिया है शॉपर स्टॉप से एक ये, और ये तो टेबल डाइनिंग टेबल का रनर होता है ना वो है, पर मुझे इसको होम सेंटर से लिया है, मुझे इसको उस पर बिछाना है ओवन के ऊपर, बाकी रनर ही है ना टेबल का, टेबल रनर, और इस पर भी ऑफर लगा हुआ था तो मैंने ये ले लिया। अभी नहीं बिछाऊंगी मैं, सुबह करूंगी सब काम, अभी तो बस मैं हाथ मुंह धोके चाय बनाऊंगी, थोड़ी सी रेस्ट करूंगी, ये वाला व्लॉग एडिट करूंगी। आज संडे है तो आज ही मैं इसको एडिट करके डाल दूंगी क्योंकि कल से ये व्लॉग चलेगा। उसके बाद मैंने H&M से दो तीन चीज़ें ली, इन पर मुझे डिस्काउंट मिला है, काफ़ी सारा डिस्काउंट लगा हुआ था वैलेंटाइंस डे की वजह से। वैसे कभी कभी कुछ कुछ आर्टिकल्स फ्रेश भी हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो बिल्कुल फ्रेश नहीं था। इसमें मुझे डिस्काउंट मुझे 3 कूपन मिले थे क्योंकि मैं H&M से शॉपिंग करते रहते तो उन वो सब इस पे लग गए, और वो उन्हीं को मिलता है ऑफर जो कि मेंबर होता है, मीन्स कि जैसे अगर आपके पास H&M की ऐप है आप उसको डाउनलोड करो, आप वहाँ से परचेजिंग करो तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे आज मैंने शॉपिंग करी तो काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें ऐड हो गए होते गए, फिर जब आप विजिट करोगे स्टोर में तो वो रिडीम हो जाते हैं। ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये स्टफ लिनन का मेरा बहुत फेवरेट है, इसे एक मैंने ये लिया है। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया था जब प्रीति के साथ गई थी, नाइट सूट, मुझे ऐसे वाले नाइट सूट बहुत अच्छे लगते हैं, आप इनको कोट सेट भी बोल सकते हो पर बेसिकली ये नाइट सूट ही है। तो आगे आगे जैसे बहुत गर्म होगा ना तो इसमें पहनने के लिए सही रहेगा, इट्स वेरी सी थ्रू है बट वेरी कंफर्टेबल, अभी तो नहीं फिलहाल लेकिन बाद में बहुत अच्छा रहेगा। और H&M में ना मैं ट्राई नहीं करती सीधा, मेरे को पता होता है मुझे एस साइज़ आ जाएगा, और अगर मुझे कोई देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है एस तो वो नहीं आता है, बाकी मुझे साइज उसके आ जाते हैं। आप लोग बोलोगे कि कैसे बेजान से कलर लेती है बट सच में मेरे को ये कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। और एक लड़की बोल भी रही थी कि H&M में ना किसी की नहीं कंप्लेंट थी कि कोई डार्क चटक कलर नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं चटक, कभी कभी अच्छे लगते हैं पर ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर टैग वैग निकालूँ, बस ये लिया, और एक मैंने ये लिया,
आप देख सकते हो गले में डालने के लिए। और ऐसा सेम मेरे पास है, ये गोल्ड कलर का है, गोल्ड मतलब गोल्डन, और वो सिल्वर का है, और एक मैंने ये लिए, दैट्स इट। मुझे वैसे सिल्वर में चाहिए थी ये वाले, बट सिल्वर में है नहीं थे, सब कुछ गोल्ड 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 का था, मैंने ये वाला ले लिया। काफ़ी अच्छा लगता है, कभी कभी आप कहीं जाते हो आप इसको पहनो, है ना, बढ़िया लगता है। उसके बाद बॉडी शॉप में सब सामान, इसमें हम डालेंगे सारे रैपर। उसके बाद बॉडी शॉप में लगा हुआ था ऑफर, जो कि मैंने आपको कल बताया था, ये मैंने दो लिए हैं, शिया शावर क्रीम, शावर क्रीम फॉर ड्राई स्किन, नहाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये दो मैंने लिए हैं बॉडी आमंड मिल्क, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और सच्चे में आपकी ड्राई स्किन को एकदम से लाइक अच्छा बना देता है, मैं इसको काफ़ी पसंद करती हूँ, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। मैंने ये लिया, और इनको लेने का फ़ायदा मुझे ये हो कि मुझे ये वाला फेस वॉश फ्री में मिल गया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मेरा ख़त्म हो गया था विटामिन ई, तो मैंने ये वाला ले लिया, और इसकी नई पैकेजिंग अभी आई है ये। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, स्मैश बॉक्स का वैलेंटाइंस डे ऑफर लगा हुआ था, एक ये लिया, और इसका प्राइमर मुझे फ्री में साथ में उसके मिल गया, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ना चेक करना है कि मेरा जो शेड है अंदर, मैं भूल गई मेरा कौन सा शेड है, वो सेम है कि नहीं है। सो जी, इस ब्लॉग को हम करते हैं इधर ही एंड, पर मैं आपको पहले शेड दिखा देती हूँ, ये है लाइट न्यूट्रल, हाँ यही वाला है। सो मुझे एक बात पता चली है, पता नहीं वो कहाँ तक क्या है, कि ना जो ये वाला है ना, ये आप इसको पहले अच्छे से पढ़ो ये क्या है, उन्होंने मुझे बोला लड़की ने, ये फाउंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक हेल्दी ग्लो ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइजर है, जो कि आपको हल्की सी कवरेज देता है। पर मैंने तो पूरी शादी में यही लगाया था, और मेरे को पता भी नहीं था कि नहीं ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है, पर जो भी है मुझे अच्छा लगा कि ये फाउंडेशन स्मैश बॉक्स का जो है वो बहुत अच्छा वाला, ये फुल कवरेज देता है। मैंने कहा नहीं, मुझे वो वाला नहीं चाहिए, तो मैंने ये वाला ले लिया। और बॉबी ब्राउन का जो प्रीति ने लिया था ना, वो भी बहुत अच्छा था, उसके काफ़ी वहाँ पे सिटी सेंटर मॉल में ना नायका है, तो नायका में काफ़ी उसके रिव्यूज लोग दे रहे थे कि हाँ बॉबी ब्राउन वाला बहुत अच्छा है। अभी सब सामान इधर रखती हूँ, कल इसको सेट करूँगी, अभी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, सुबह की उठी हूँ यार, मतलब एक सेकंड में बैठी नहीं हूँ, इतनी थकान होगी ना आज, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के। एनीवेज गाइस, एनीवेज दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, क्या बोलेंगे, आप मेरी बहन होंगे या मेरे से बड़े होंगे या छोटे होंगे, या आप कौन हो यार जो मेरे ब्लॉग देखते हो, प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और लाइक ज़रूर करना। आप मेरे से एज में बड़े हो या छोटे, मैं आपको क्या बोलूँ समझ में नहीं आता, तो जो भी हो आप कमेंट करना, मुझे काफ़ी अच्छा लगे। आपकी एज क्या है मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज़ आप तो मुझे देखते हो, आप मेरी हर चीज़ के साथ कनेक्ट कर पाते हो, बट मैं आपको मतलब मुझे नहीं पता ना मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं या मुझे पसंद करते हैं, वो कौन है, कैसे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वो जब मॉल जाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, क्या लेते हैं, और मेरी तरह शॉपिंग करते हो या किस तरह से करते हो, क्या करते हो, बताना नीचे कमेंट करके। टिल देन, बाय बाय।